नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रही हैं फिल्मी बीट। आमिर खान आलिया भट्ट पर अब कंगना रनौत के तीखे तेवर शुरू हो गए हैं। जी हां, कंगना रनौत ने कह दिया सब मतलब के लिए करते हैं फोन। हर बार की तरह एक बार फिर कंगना रनौत अपनी बयानबाजी के लिए चर्चाओं में आ गई। मणिकर्णिका को लेकर वो अक्सर खबरों में रहती हैं और हर बार वो किसी न किसी पर निशाना साधती नजर आ रही है। कंगना रनौत की मूवी मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी बॉक्स ऑफिस पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। फिल्म ने अब तक भारतीय बाजार में करीब 76.65 करोड़ की कमाई की है। रानी लक्ष्मीबाई का रोल कर कंगना को दर्शकों और फिल्म क्रिटिक्स से काफी तारीफें मिल रही है। इस मूवी से एक्ट्रेस ने बतौर निर्देशक डेब्यू भी किया है, लेकिन ये पीरियड फिल्म अपने साथ साथ कई कंट्रोवर्सीज भी लेकर आई है। मणिकर्णिका की को डायरेक्टर क्रिश और कंगना के खिलाफ जंग जारी है, लेकिन इन सभी विवादों की परवाह नहीं करते हुए एक्ट्रेस फिल्म की सक्सेस एंजॉय कर रही है। स्विट्जरलैंड से वापसी करने के बाद कंगना ने सभी आरोपों को बेबाकी से जवाब दिया। साथ ही एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बॉलीवुड के नामी सेलेब्स आमिर खान, ट्विंकल खन्ना और आलिया भट्ट पर भी निशाना साध दिया है। कंगना का मानना है कि पूरी इंडस्ट्री उनके खिलाफ गैंग अप हो गई है, जो उनका विरोध कर रही है। मणिकर्णिका में कंगना के निर्देशन और काम की हर जगह तारीफ हो रही है, लेकिन बॉलीवुड सेलेब्स की चुप्पी ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। किसी ने भी कंगना के सपोर्ट में कुछ नहीं कहा है। इसी पर बोलते हुए एक्ट्रेस ने कहा, मुझे हमेशा से इग्नोर किया जाता रहा है, मेरी मूवी के ट्रायल में कोई नहीं आता, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो वो बेशर्म होकर मुझे फोन करते हैं और बुलाते हैं। मैं अपना प्लान कैंसिल कर उनके इवेंट में जाती हूँ, लेकिन मेरे में कोई नहीं आता था, ये सब ज्यादा हो रहा था, इसीलिए अब मैं कहीं नहीं जाती। कंगना ने कहा कि आलिया ने मुझे राजी का ट्रेलर भेजा था और कहा था प्लीज जरूर देखना। राजी का ट्रेलर देखने के बाद मैंने मेघना गुलजार और आलिया को फोन किया था, लेकिन मेरी फिल्म के लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं। आमिर ने मुझे दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार के लिए फोन किया था। आमिर खान और ट्विंकल खन्ना महिला सशक्तिकरण पर घंटों बात करते हैं, लेकिन मणिकर्णिका, जो कि इतिहास पर बेस्ड सबसे बड़ी फिल्म है, महिला सशक्तिकरण को दिखाती है, किसी का कोई रिएक्शन नहीं, सपोर्ट नहीं आया। लेकिन उनके पास मेरी फिल्मों के ट्रायल के लिए समय नहीं होता। ऐसे लोग अपना उल्लू सीधा करते चलते बनते हैं। ये मेरे खिलाफ एक बड़ा रैकेट चल रहा है। मणिकर्णिका को लेकर कंगना बहुत पॉजिटिव है। कंगना ने इस फिल्म के लिए कितनी मेहनत की है, ये खुद कंगना से ही सुन लीजिए। ये फिल्म एक्चुअली थोड़ा सा, ये जो सब्जेक्ट है ये जिंक्स है, जैसे कि ये फिल्म पहले भी बहुत लोगों ने बनाने की कोशिश की थी, और इस फिल्म की जब मैंने पहले दिन शूटिंग की, मुझे लगता है कोई देवी शक्ति, मैं तो इस चीज़ में विश्वास करती हूँ, कोई देवी शक्ति है जो सच में खून मांगती है। जब मैंने पहला दिन इसकी शूट की तो मेरे सर पे मेरे जो बहुत अच्छे मित्र हैं निहार पांडे जी ने तलवार दे मारी और मुझे 20 टांके लगे, मेरी आंखें पूरी खून से कवर हो गई, मुझे दिख नहीं रहा था। एंड दैट वाज द फर्स्ट डे ऑफ माय शूट, और मेरे ये आईब्रो के बीच में हड्डी एक्सपोज हो गई थी पूरी। निहार, आई होप यू फीलिंग बैड, अभी भी तुम फील बैड नहीं करोगे तो पता नहीं कब करोगे। पर दिस वाज द फर्स्ट डे ऑफ द शूट, सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसके बाद जो हमारे ऑब्स्टिकल्स हैं, घोड़े से लोगों का गिर जाना, 200-200 लोग आते थे, वो तो सिंपल थे, लेकिन ऐसा कभी हुआ है कि एक फिल्म के अभी आधी हुई हो और डायरेक्टर चले गए हो? वो भी हुआ। तो देन आई थिंक उसके बाद में एवरीबडी वॉज कॉन्टेम्पलेटिंग के अब क्या किया जाए, एंड वी वर लुकिंग एट वेरियस ऑप्शंस, यू नो, बिकॉज अभी हमें फिल्म तो कंप्लीट करनी थी। देन प्रसून सर, आई विल टेक हिज नेम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बिकॉज आई थिंक द कॉन्फिडेंस दैट ही शोड, एंड ही टोल्ड द टीम के लेट हर डू इट बिकॉज शी विल बी द राइट पर्सन, एंड ऑनेस्टली आई वॉज नॉट रेडी, क्योंकि जब मैंने फिल्म शुरू की थी उस टाइम पे एक्शन हॉर्सेस, ये मेरे लिए आई वॉज लाइक अ डक पैडलिंग बिनीथ द सर्फेस, आई लुक्ड वेरी काम, बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा था एवरीथिंग, लाइक फ्रॉम एक्शन टू द पीरियड ड्रामा एंड द कॉस्ट्यूम्स। बट देन द होल टीम, चाहे विजेंद्र सर हो, चाहे आई मीन आई हैव टू से शंकर सर, व्हेन आई एज अ डायरेक्टर आई हैड द फर्स्ट मीटिंग विद हिम, ही वॉज सो वार्म, आई वॉज वेरी कॉन्शियस, यू नो, बिकॉज ऑब्वियसली देर वर लॉट ऑफ थिंग्स इन द मीडिया एज वेल, लॉट ऑफ गॉसिप्स एंड लॉट ऑफ you know, sort of opposition about the fact, क्योंकि उनको नहीं पता कि अब अंदर की क्या बात है, so we can't, you know, that's not the time to go out and clarify things like that.
But whole team had been so warm to me and I felt so confident. Well, जाहिर सी बात है, अगर इतनी मेहनत के बाद कंगना को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है और लोग उनको तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तो ऐसे में कंगना का गुस्सा होना जायज सी बात है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।